कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत माता पर की गई टिप्पणी पर तीखा प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि कुछ लोग भारत माता की मृत्यु की कामना कर रहे हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का करीब सवा घंटे तक जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की कि कांग्रेस का इतिहास माँ भारती को छिन्न भिन्न करने का रहा है। सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए बुधवार को राहुल गांधी ने मणिपुर में हाल में हुई हिंसा का उल्लेख करने के क्रम में भारत माता का संदर्भ देते हुए टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने कल यानी गुरुवार को लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देने के क्रम में किया। उन्होंने कहा, मां भारती के बारे में जो कहा गया उससे देश को ठेस पहुंची, क्या भाषा बोल रहे हैं पता नहीं। कुछ लोग भारत माँ की मृत्यु की कामना कर रहे हैं। ये लोग कभी लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, संविधान की हत्या की बात करते हैं। जो इनके मन में है वही उनके कृत्य में सामने आ जाता है। प्रधानमंत्री ने देश का विभाजन के लिए परोक्ष रूप से कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए मां भारती के तीन तीन टुकड़े कर दिए गए। जब मां भारती की जंजीरों को तोड़ना था तो इन लोगों ने मां भारती की भुजाएं काट दी। ये लोग किस मुंह से ऐसा बोलने की हिम्मत करते हैं। तुष्टिकरण की राजनीति के चलते वंदे मातरम गीत के टुकड़े कर दिए। मोदी ने कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग भारत टुकड़े होंगे, कहने वालों को बढ़ावा देने के लिए पहुंच जाते हैं, सिलीगुड़ी गलियारा को अलग करने का सपना देने वालों का समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री ने इस दौरान विपक्ष के नए गठबंधन इंडिया को घमंडिया गठबंधन करार दिया और कहा कि इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन इनकी नई दुकान पर कुछ दिनों में ताला लग जाएगा। प्रधानमंत्री के जवाब के बाद लोकसभा ने सरकार के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अभी हालात ऐसे हैं, इसलिए हाथों में हाथ, जहां हालात बदले फिर छुरियां भी निकलेंगी।